जोतते बेला दूध हो जाता ना अभी सब दूध धर के लीजिए उसको कोई कुछ नहीं होगा धर के लीजिए यहाँ सर आए तो मामला देखे कि नाक देखे तो यहाँ का आदमी मोहल्ला का आदमी हम लोग नाक को मानते हैं और बच्चे लोग भी आते हैं बड़े लोग भी आते हैं तो जैसे हम लोग अभी छू रहे हैं हम लोग कुछ नहीं जानते हैं इसके बाद लेकिन इसको मानते हैं तो भगवान के तरह मानते हैं नहीं तो यही है कि महाकाल है कि इससे सब कुछ डरता है मैं दुनिया डरता है हम लोग तो क्या बुझे इसको ये कब से देख रहे हैं इसको तो सर आदमी बोले भाई बंधु की 20-25 दिन से है लेकिन हम कल जब पटना से आए तो देखे कि ऐसे बात हाथ उठ धरे तो देखे ये कि कोई पवनधारी रूप में है तो चलो इसके लिए सब माँ सांप निकला हुआ है यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं आप लोग ये सांप पहले एक विषहरी स्थान था उसी के घर में निकला था 15 दिन पहले की बात उन्होंने उसको उठा के यहाँ रख दिया लेकिन यह आश्चर्यजनक है ये 15 दिन से उसी स्थान पर जब भी कोई भी सांप है वो तुरंत 5 मिनट में 2 मिनट में भाग जाता है लेकिन उसी स्थान पर ही घूम रहा है अच्छा बच्चा आदमी वगैरह इसको छू भी रहा है सट भी रहा है लेकिन किसी को आज तक अभी तक क्षति नहीं पहुँचा है आस्था का बात है वैज्ञानिक युग है वैज्ञानिक नजरिए से न आस्था के नजरिए से ये देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है ये भी सोचने वाली बात है कि 15 दिन से एक ही जगह पर ही स्थिर बना हुआ है रात रात में तो यहाँ कोई नहीं रहता है लेकिन रात में भी नहीं भागता उसी जगह पर मतलब रहता है हजारों आदमी डेली 5,000-7,000 आदमी आते हैं महिलाएं पुरुष सभी आते हैं इसको देख के जाते हैं लेकिन इतना समझ नहीं होता अपने स्थान पर वही उसी स्थान पर 1 मीटर के दायरे में घूम फिर रहा है तो आप लोग क्या करना चाह रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि मतलब आस्था का बात है पूजा पाठ हो इसका और उसके बाद में एक जो सरकारी व्यवस्था के तहत इसको कहीं स्थान मतलब सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए परिचय दें मेरा नाम तपन सिंह त्यागी किसान नेता मामला है यहाँ सांप का मेरा नाम इंद्रजीत सिंह पिता स्वर्ग याबुन सिंह घर पर हम थे तो हमारे परिवार शायद चुने कि आज देख के गए बोले कि उमानाथ पांडे के बगीचा में एक सांप है और बगल में बगीचा के बगल में फला साहब का घर है उसके यहाँ प्रत्येक साल में विषहरी का पूजा होता था इतना ही बात हमको हमारे परिवार ने बोली कब से देखा जा रहा है हमारे परिवार तो सुन के बोला दिखा के नहीं छोड़ने का सकेंगे हम आज देखने के लिए आए खास करके तो क्या आप देख रहे हैं देखे कि सांप जो है ब्राह्मण सांप है उजला रंग का है और चारों बगल उसी जगह में घूरता है भाग नहीं रहा है भाग नहीं रहा तो आप लोग अब क्या चाहते हैं इसमें हम लोग चाहते हैं कि उसका स्थान दिया जाए कौन सा जगह यह है उमानाथ पांडे का बगीचा हरी चौक से पश्चिम बगल में सबदासा घाट बोला जाता है